नमस्ते दोस्तों, मैं शिल्पी और बांगालीर खाना पीना चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चावल के साथ एक सिंपल सा डिश मशरूम की रेसिपी बना के दिखाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, चावल के साथ एक भाजी कर देने पर ही बहुत अच्छा लगेगा और कुछ सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या कुछ लगते हैं इस सब्जी बनाने के लिए। पहले हम पीनट्स ले लिए हैं, इसको सूखे कढ़ाई में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और मेरी रेसिपी को अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी अपलोड किया हुआ सभी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो इसके बाद देखिए हम पीनट्स को मिक्सी के जार में ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम एक चम्मच पॉपी सीड्स दे दिए हैं और एक टोमेटो को काट के ले लिया है टुकड़ा करके। अब इसका एक स्मूथ पेस्ट हम बना लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों हम कढ़ाई में ले लेंगे बहुत ही कम, 2 या 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी हम छिड़क देंगे ताकि तेल जो है वो छिटक के बाहर ना जाए। और अब हम यहाँ पर बॉयल किया हुआ आलू जो लिए हैं उसको फ्राई कर लेंगे। आप लोग चाहो तो कच्चे आलू भी ले सकते हो, लेकिन बॉयल आलू से सब्ज़ी बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसके बाद आलू को हम लाल लाल करके फ्राई कर लेंगे। हम 3-4 लोगों के लिए बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम 2 आलू को बॉयल करके छोटे छोटे पीस में काट कर लिए थे। आप लोगों के घर के अकॉर्डिंग लीजिएगा आलू को, और चाहो तो सिर्फ आलू के बगैर भी ये मशरूम की रेसिपी जो है वो बनाया जा सकता है। अब आलू को देखिए अच्छे तरीके से हम फ्राई करके उसको उठा लिए हैं। उसी तेल में दे देंगे साबुत जीरा और 5 फोड़न। 5 फोड़न में है मेथी, कलौंजी और सौंफ। अब कुछ ही सेकेंड इन मसालों को हम भूनने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे अनियन को, मतलब प्याज को। हम यहाँ पर 2 प्याज को स्लाइसली चॉप कर लिए हैं। अब इस प्याज को बहुत ही हल्का हम फ्राई करेंगे, एकदम से लाल फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी के साथ हम गार्लिक दे देंगे। यहाँ पर हम 4-5 कलियाँ लिए थे गार्लिक का, उसको हम ग्रेट कर लिए थे। इस अनियन के साथ दे के दोनों को एक साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम जो है मशरूम को ऐड कर देंगे। मशरूम को हम धो के साफ करके रखे थे, देखिए दोस्तों ये देसी मशरूम है। ये इसीलिए और भी खाने में टेस्ट होते हैं। मशरूम कढ़ाई में देने के बाद बहुत पानी छोड़ते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लेके मशरूम को पानी सूख जाने तक फ्राई करना पड़ेगा, तब अच्छा लगता है खाने में। तो इस टाइम आँच को थोड़ा हाई कर दीजिएगा ताकि पानी जल्दी जल्दी सूख जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे मसाले को। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर, और उसके बाद देंगे हम यहाँ पर जीरा, साबुत जीरा, हरी मिर्ची और अदरक का एक पेस्ट हम मिक्सी में तैयार करके रखे थे उसको दे देंगे। और दोस्तों उसके बाद हम पीनट्स की जो पेस्ट रखे थे तैयार करके उसको भी दे देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इस कटोरी को धो के थोड़ा सा पानी भी यहाँ पर ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो कढ़ाई में लग ना जाए और मसाला जो कटोरी में एक्स्ट्रा रह जाता है वो वेस्ट भी ना हो। अब इन सभी मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। दे देंगे यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। बस दोस्तों यहाँ पर और कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसी मसाले से ये सब्जी जो है बनेगा। यहाँ पर रेड मिर्च पाउडर या कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर कुछ भी यूज़ हम नहीं करेंगे, बहुत ही स्पाइसी हम तैयार नहीं करेंगे। ये एकदम घर की फीलिंग देगा आप लोगों को। घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम बना के इसको तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए ये
तेल अपना छोड़ दिया है। हालांकि तेल हम यहाँ पर बहुत कम यूज़ किए हैं, तो इस सब्जी को 2-3 बार मसाले को पानी दे के अगर भुनेंगे थोड़ा टाइम लेके, तो सब्जी और भी टेस्टी बनता है। तो हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसीलिए, और फिर से एक बार इसको पानी सूख जाने तक हम भून लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि तले में लग ना जाए, क्योंकि पीनट्स दिया हुआ है, बादाम बहुत ही तले में चिपकते हैं। देखिए पानी हमारा सूख चुका है। अब हम यहाँ पर आलू को ऐड कर देंगे एक बार और अच्छी तरीके से चलाते हुए। कंटिन्यू इसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो तले में जो है वो जल जाएगा। और यहाँ पर हम अब ऐड कर देंगे आलू को जो फ्राई करके रखे थे। देखिए इसीलिए दोस्तों हम आलू को थोड़ा सा बॉयल करके रखे थे, क्योंकि सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। और मशरूम जो है वो तो बॉयल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते हैं। अब आप लोग चाहो तो यहाँ पर पानी ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी ऐड कर सकते हो। थोड़े आँच को एकदम से लो करके ढक्कन दे के उसको सुखा के तैयार कर सकते हो, लेकिन हम लोग चावल के साथ खाएंगे इसलिए इसमें यह थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। और पानी के साथ मसाले को उबलने पर कच्चे मसाले का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, अच्छा लगता है मसाले का थोड़ा पक जाना पानी के साथ। इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बस थाला को धो के और पानी नहीं देंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च को, 2-3 हरी मिर्च को हम बीच में चीरा लगा के दे दिए हैं, इससे इसकी टेस्ट जो है और भी खुल जाते हैं। क्योंकि हरी मिर्च का जो कच्चे हरी मिर्च का जो खुशबू होता है वो हर सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। अब ढक्कन लगा करके इसको 3-4 मिनट के लिए हम पका लेंगे दोस्तों। 3 मिनट के बाद देखिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सब्जी हमारा बने कि नहीं बने हैं, कितना दूर तक रेडी हुआ है सब्जी। सब्जी हमारा तैयार हो गया है। ये बॉयल आलू का है इसीलिए ठंडा होने पर ग्रेवी थोड़ा सा सूखेगा, इसीलिए इसी टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने पर इस सब्जी का जो पानी है, ग्रेवी जो है, ये थोड़ा सा सूख जाएगा। तो घर में एक बार ज़रूर बना के देखिए और गरम गरम भात के साथ ट्राई कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही कम मशरूम से ये 4-5 लोगों के लिए आराम से खाना बन जाएगा। एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना हमको कैसा लगा रेसिपी। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।